मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच प्राचीन भारत के इतिहास के अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर टेस्ट सीरीज को लेकर आई हूँ। और आज के इस टेस्ट सीरीज में आप सभी के बीच स्थापत्य और साहित्य से जुड़े वे तमाम प्रश्न आप सभी के बीच आने हैं जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज के टेस्ट सीरीज में उन कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है जिससे आप इस टॉपिक पर अच्छे से स्ट्रॉन्ग तैयारी करें। तो पहला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खजुराहो का मंदिर है कहाँ? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आएगा किस शासनकाल में? तो चंदेल शासनकाल में। इन मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? तो 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। और यहाँ के मंदिरों में कंदारिया महादेव मंदिर सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2143, अर्थात स्तूप क्या है? सांची। ठीक, सांची में क्या है? स्तूप। चित्रकारी का कहाँ साक्ष्य मिला? बाग में। कनिष्क की सिरभिन्न मूर्ति कहाँ से मिली? मथुरा में। दशावतार मंदिर कहाँ है? आपका देवगढ़ में। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर का तेली मंदिर। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशियाँ एवं मूर्तियाँ उत्तर भारतीय शैली में बनी हैं। इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएँ हैं? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्हेरी। आ कन्हेरी कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक, तो साथियों इसके साथ आप हर पक्ष देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थान भी आपको देखना है, काल भी आपको देखना है, किस किस शासन काल में हुआ था ये भी देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संगमरमर से। अराबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य अर्थात सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। और ये आबू है कहाँ? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भावनगर। अब भावनगर कहाँ है?
भारतीय गुजरात में है, ठीक है, और शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। नेक्स्ट, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शैव धर्म। और ध्यान रखिए, एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियाँ हैं। साथ ही यहाँ पर 2 बौद्ध गुफाएँ भी हैं, और इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 6वीं सदी ईस्वी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ध्यान रखिए, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, और इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्मारक भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। आप सभी को उत्तर ऑलरेडी बताया जा चुका है, और इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, सुमिरित करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3241, ठीक है। ईंट निर्मित मंदिर का स्थान भीतरगांव है। दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भूमरा, विष्णु मंदिर एरड़। नेक्स्ट है, भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीविकों को प्रदान की थी। इन गुफाओं में कड़ चौपड़, विश्व चोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ऑप्शन बी में देख रहे हैं, अर्थात चंद्रगुप्त इसमें दिखा रहा है, जबकि ये गलत है, ठीक है। क्या होगा? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीविकों को प्रदान किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 2 गलत हो गया, ठीक है, 1 भी आपका गलत हो गया, ठीक है, और बस केवल 3 सही हैं। तो इस प्रकार उत्तर आपका हो गया ऑप्शन सी। इसके संबंध में कुछ व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ, जिसे बहुत ही गौर से सुने। एलोरा की गुफाएँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, जो कि अन्य क्वेश्चन में भी आपको बताया गया है। इन गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्धों से संबंधित है, 13 से 29 तक आपका हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 तक जैन से संबंधित है। इस प्रकार ये गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं।
बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं है। भारत की प्राचीनतम गुफाएं भीमबेटका की मानी जाती है। इस प्रकार से आपका ये वाला गलत हो गया। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम नहीं है, बल्कि प्राचीनतम कौन सी हो गया, भीमबेटका का। अब बराबर की शैलकृत गुफा का निर्माण कौन करवाया है, अशोक। तो पहला और दूसरा गलत हो गया और तीसरा आपका सही हो गया। इस प्रकार उत्तर आपका सी सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल तीन, ठीक है, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। कैसे, देखिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर सातवीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ। दूसरी शताब्दी तक यहाँ हीनयान मत का प्रभाव था, तत्पश्चात महायान मत का प्रभाव हुआ। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है। अजंता में स्थित मूर्तियां एकास्मक पत्थर पर निर्मित हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में मामल्ल शैली का विकास हुआ और इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकास्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। मामल्लपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। ध्यातव्य है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर एकास्मक पत्थर से निर्मित है। इस प्रकार से पहला आपका नहीं होगा, न दूसरा होगा, होगा तो बस तीसरा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, सुमेलित करने के लिए दिया गया है, सुमेलित करें आप। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, जी हाँ इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में। नागार्जुन कोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ ओडिशा में। अरिकामेडु कहाँ है, पुडुचेरी में, ठीक है। तो उपलब्ध विकल्पों के क्रम में उत्तर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। फ्रेंड्स आप सभी के भी जितने भी स्थापत्य से रिलेटेड आज क्वेश्चन आ रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जरूर आप सभी को इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता होने चाहिए। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नरसिंह देव वर्मन। और ध्यान रखें कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है, पुरी जिले में, ठीक है। सूर्य मंदिर का ये आप देख ही रहे हैं, सूर्य मंदिर है। कई बार पूछ दिया था कोणार्क का मंदिर किस देवता पर समर्पित है, तो सूर्य मंदिर। किसने बनवाया, तो नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया। कोणार्क मंदिर किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। कहाँ पे है, तो पुरी में है। तो ये सारी आपको ध्यान में रखने ही होंगे। इसको फ्रेंड्स ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा अर्थात काला पैगोडा भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश में हुआ, तो सोलंकी वंश में हुआ। किसने कराया, तो सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा करवाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर अवस्थित है, लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
ठीक है, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में। क्वेश्चन बनेगा लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, राज्य भी पूछा जा सकता है, इस प्रकार उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि ये किस शैली में बना है, जैसे आप जानते हैं स्थापत्य कला का नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, तो ये जो मंदिर है वो आपका किस में बना है, नागर शैली में बना है। फ्रेंड्स जितने भी उत्तर भारत की मंदिरें हैं वे आपके नागर शैली में बनी हैं, जो दक्षिण भारत की मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बनी है, जबकि जो बीच के पार्ट हैं वो बेसर में, अर्थात उन मंदिरों में जिनमें नागर शैली और द्रविड़ शैली की दोनों विशेषताएं समायोजित हैं उसको हम बेसर शैली के नाम से जाने जाते हैं। लिंगराज मंदिर आपका नागर शैली का अच्छा उदाहरण है। दूसरी चीज़, कई बार क्वेश्चन पूछता है लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग कौन सा है, तो इसका जो सबसे आकर्षक भाग है वो है इसका शिखर। लिंगराज मंदिर का जो सबसे आकर्षक भाग है वो है इसका शिखर, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे चिन्हांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है, तो फ्रेंड्स सभी आपको इसके इस मंदिर के बारे में चर्चा की गई और इसका उत्तर होगा लिंगराज मंदिर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंबोडिया। इस मंदिर से भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कंबोडिया है। क्वेश्चन आएगा कि किस शासक के काल में ये बना, तो अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपुचिया, जिसको वर्तमान में कंबोडिया कहा जाता है, के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और विष्णु को समर्पित, ध्यान रखिए विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जावा। बोरोबदूर स्तूप जावा में स्थित है, और ख़ास बात है जावा कहाँ है, इंडोनेशिया। पता चला कि जावा ऑप्शन में दिया ही ना हो, देश का नाम दे दिया जाए, तो ये भी पता होना चाहिए जावा द्वीप कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में है। ठीक है, और ये यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त स्थल अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है। फ्रेंड्स कई बार मंदिरों से संबंधित विशेषताओं को भी पूछा जाता है कि गर्भगृह किसे कहते हैं, गोपुरम किसे कहते हैं, शिखर क्या होता है, आदि तमाम जो विशेषताएं होती हैं मंदिरों के वे सब आपसे पूछे जाएंगे। नागर शैली की क्या विशेषता है, द्रविड़ शैली की क्या विशेषता है, बेसर शैली की क्या विशेषता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से तात्पर्य है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पल्लव। ठीक है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव द्वारा बनवाया गया। अब पल्लव कला की राजसिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था, के तीन मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। सोर मंदिर जिसे तटीय शिव मंदिर भी कहते हैं,
ईश्वर मंदिर तथा मुकुंद मंदिर। सौर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4312। 4312 कालक्रम के अनुसार मंदिरों का निर्माण सप्त पैगोडा मामल्ल शैली, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर वृहदेश्वर मंदिर, फिर गंगा तो कोंड चोल पुरम मंदिर का हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स हर चीज़ आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हर प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 2341। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, सोर टेम्पल तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटक में है, मानस आपका असम में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है। फ्रेंड्स एलोरा आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं किंतु शकों से इनका कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों द्वारा तथा महाबलीपुरम मंदिर पल्लव शासकों द्वारा निर्मित किए गए हैं। खजुराहो मंदिर की स्थापत्य चंदेलों ने की थी, और ये सारा प्रश्न आप सभी को बताया जा चुका है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात खजुराहो का मंदिर चंदेल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 2314। 2314 नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करें। तो फ्रेंड्स इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 2431। सूर्य मंदिर कोणार्क में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, हवा महल जयपुर में, गोमतेश्वर की प्रतिमा सोड बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, 2143। ठीक है, 2143। नालंदा विश्वविद्यालय, आपका नालंदा क्या है, विश्वविद्यालय। सारनाथ में क्या है, अशोक स्तंभ। सांची में क्या है, स्तूप। कोणार्क में क्या है, सूर्य मंदिर। अतः विकल्प आपका बी सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सोनगिरी के ऐतिहासिक दिगंबर जैन
तीर्थ स्थल स्थित है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो दतिया। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले भी डिस्कस आप सभी के बीच किया जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। फ्रेंड्स, दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है और इनमें सबसे प्रसिद्ध बिमल बसाही मंदिर है और चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने इसे बनवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी। नेक्स्ट देखते हैं, नागर द्रविड़ और बेसर है। अभी आप सभी को बताया गया था ये क्या है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय मंदिर वास्तु की तीन प्रमुख शैलियाँ। नागर, द्रविड़ तथा बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की तीन प्रमुख शैलियाँ हैं। नागर शैली समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली के हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत, विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरिप के मध्य अर्थात तमिलनाडु में था। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त दोनों के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल भाषा में जानिए कि उत्तर भारत की जो मंदिर है वो नागर शैली की विशेषताएँ पाई जाती हैं, उन्हें दक्षिण भारत की जो मंदिर है उसमें द्रविड़ शैली की विशेषताएँ पाई जाती हैं, और जो मध्य में है, ठीक है, और जिनमें दोनों मंदिरों के विशेषताएं पाई जाती हैं वो आपके बेसर शैली में हो जाती हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंदिर रचना शैली। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा सीतापुर, अर्थात उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में। नेक्स्ट, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक ये सही है, तीन भी सही है, लेकिन दो गलत है। ठीक है, देखिए, बुद्ध के
महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवीय संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं अजंता में। ठीक, जो तीसरा है विशाल गोलास्मो पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण, ये मामल्लपुरम में दर्शाई गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका 1-3 सही है। नेक्स्ट है, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धौली स्थित शैलकृत हाथी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? चूँकि आज का ये जो टेस्ट सीरीज है मात्र स्थापत्य से संबंधित नहीं है, साहित्य से भी संबंधित है, तो अब आपके बीच साहित्य से रिलेटेड अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं। तो निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? फ्रेंड्स, अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश वासलन कृत कामसूत्र, कालिदास कृत मेघदूत तथा विशाखदत्त कृत मुद्रारक्ष, ये चारों रचनाएं गुप्तकालीन है। अतः विकल्प आपका इसमें कौन सा सही होगा? विकल्प आपका डी सही होगा, अर्थात 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करने के लिए है लेखक और रचनाएं। हर एक एक ऑप्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूछ दिया जाएगा कपूर मंजरी किसने लिखा है, किरात रुजीनन किसने लिखा है, नागानंद किसकी रचना है। तो ये जो चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, भारवी कृत रचना क्या थी? किरातार्जुनीयम। हर्ष आपका नागानंद, कालिदास मालविकाग्निमित्र, राजशेखर कपूर मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2, 3, 1, 4। ठीक है, विशाखदत्त नाटककार थे। विशाखदत्त क्या थे? नाटककार थे। मुद्रा राक्षस इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके देवी चंद्रगुप्तम नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। वराहमिहिर गुप्तकालीन खगोलशास्त्री थे। अव्यय जातक, पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ थे। चरक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। चरक संहिता इनकी प्रसिद्ध कृति है। अब ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सुमेलित नहीं है। क्यों?
क्योंकि कादंबरी की रचना बाणभट्ट ने की थी और सुबुद्धि ने नहीं की थी, सुबंधु ने नहीं की थी, और तीनों विकल्प आपके सुमेलित हैं। अर्थात कालिदास ने रघुवंश की रचना की, भास ने स्वप्नवास दत्तम की, हर्ष ने रत्नावली की, जबकि सुबंधु कादंबरी का रचना नहीं किए थे बल्कि कादंबरी की रचना बाणभट्ट द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4, 1, 2, 3। ठीक है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। हरिशेर किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। इस प्रकार साथियों आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कल्लड़ की रास सारंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? ये जो रास सारंगड़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो साथियों सबसे पहले जानिए कि इस पुस्तक को आगे कौन बढ़ाया। तो इसका तो उत्तर हो गया आपको जोनराज एवं श्रीवर ने राज सारंगड़ी को आगे बढ़ाया। क्वेश्चन बनेगा, राज सारंगड़ी के लेखक कल्लड़ के समय शासक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा जयसिंह। क्वेश्चन आएगा, कल्लड़ कृत राज सारंगड़ी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, राज सारंगड़ी के लेखक कल्लड़ के समय कश्मीर का शासक जयसिंह था। उसी के शासन के दौरान 1148 से 1149 ईस्वी में कल्लड़ ने अपनी महान कृति राष्ट्रंगड़ी को पूरा किया। राष्ट्रंगड़ी में कुल 8 तरंग तथा 7826 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल के कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से छठवें तरंगों में कारकोट तथा उत्पल वंशों का इतिहास है। सातवें और आठवें तरंगों में लोहार वंश का इतिहास अंकित है। क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रंगड़ी में किन वंशों का उल्लेख है? तो किसका किसका हो गया, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। आपको और 4 विकल्प दिए जाएंगे ए बी सी डी, जिसमें 3 दिया रहेगा कारकोट वंश, उत्पल वंश और आपका लोहार वंश। अब बोला जाएगा कौन किसका उल्लेख नहीं है, तो यदि आपको पता रहेगा कि इन तीनों का तो अपने आप सही उत्तर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 3, 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, बुद्ध चरित की रचना वसुबंधु ने नहीं बल्कि कनिष्क के राजकवि एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का सरल तथा सरस वर्णन मिलता है। अश्वघोष की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट तथा वाल्टेयर से की जाती है। और बाकी तो आप देख रहे हैं सही, मृषकटकम, शूद्रक, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, हर्षचरित, बाणभट्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कपूर मंजरी हर्ष।
हर्ष ने कपूर मंजरी की रचना नहीं की थी, कपूर मंजरी की रचना राजशेखर द्वारा की गई थी। मालविका अग्निमित्र का कालिदास सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, सौंदरानंद आपका अश्वघोष, लेकिन कपूर मंजरी की रचना राजशेखर द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट देखिए, स्वप्नवास व दत्ता के लेखक हैं तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भास ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयदेव ने। नेक्स्ट है, सुमेलित करने के लिए दिया गया, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करें। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4132, ठीक है। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से, दस रूपक नाट्य कला से, लीलावती गणित से एवं महाभारत से व्याकरण से संबंधित है, और ये चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आज आप सभी के बीच आ रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका प्रस्तुत विकल्प में उत्तर होगा भास्कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सब सेपरेट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, और ये किताब बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए इसका सही उत्तर आपको पता होने चाहिए। द नेचुरल हिस्ट्री टालमी नहीं होगा बल्कि क्या होगा? प्लीनी द एल्डर होगा, ठीक है। बाकी आपका सही है, लाइफ ऑफ वेंसांग विली, हिस्टोरियल सिल्वियस पॉम्पेइस ट्रोगस, द हिस्ट्रीज का क्रोनोड। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वीणा। और आज आप सभी के बीच 50 क्वेश्चन स्थापत्य साहित्य से रिलेटेड भी लाए गए, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आप सभी ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर उपलब्ध कराएंगे कि कितने उत्तर आपके सही हुए। फ्रेंड्स कहा जाता है कि सफलता दो बार प्राप्त की जाती है, जी हाँ फ्रेंड, सफलता दो बार प्राप्त की जाती है, एक बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविक संसार में। जब आप सोचते हैं कि आप इस परीक्षा की तैयारी करेंगे, आप इस परीक्षा में सफलता के साथ अधिकारी बनेंगे,
तो आप प्रथम बार में अर्थात दिमाग में आप सफल हो गए। और जब आप परिश्रम करते हैं अपने इस सपने को साकार करने के लिए, तो आप एक बार तो सफलता प्राप्त कर चुके हैं, दूसरी बार सफलता कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी होती है। और जितने क्वेश्चन आज आप सभी के लिए लाए गए हैं, तो आप सभी को सुनिश्चित रूप से दूसरी बार भी सफलता मिल जाए, अर्थात वास्तविक धरातल पर, वास्तविक संसार पे भी आप सफल हो। अवश्य इन सारे क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप सभी को एक नई दिशा भी दे रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। निश्चित रूप से आज आप सभी के बीच 50 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आज आप सभी को 300 क्वेस्चन की तैयारी कराई गई है स्थापत्य और साहित्य क्षेत्र से। यदि आप इस क्लास को गंभीरता के साथ अध्ययन किए होंगे, सॉल्व किए होंगे, तो निश्चित रूप से आप स्थापत्य और साहित्य से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करेंगे। सफलता जो हम दो बार प्राप्त करते हैं, एक बार अपने दिमाग में और दूसरी बार वास्तविक संसार में, तो आप दोनों बार सफलता जरूर पाए। आप सभी को इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट।